हेलो सब्सक्राइबर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव सेलेक्टेड लेसन 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल टिश्यू। सो एनिमल टिश्यू यानी टिश्यू को डेफिनेशन अगर हम देंगे तो इट इज़ ए ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल सेल विच आर सिमिलर इन ओरिजिन एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। In tissue, there are two conditions. That's group of identical cell which is similar in origin and function. Similar in origin means all these cells are eukaryotic. And function, all the cells perform same function in a group. So, animal tissue, अगर हम देखें तो वी विल फाइंड दैट देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी ऑल्सो। एपिथीलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। तो एपिथीलियल जो होती हैं, दीज आर एपिथीलियल। ओके, नाउ एपिथीलियल, सो एपिथीलियल लाइक ए सिंपल एपिथीलियम। तो देखें सिंपल एपिथीलियम के कुछ टाइप होते हैं। देखें सिंपल एपिथीलियम, तो सिंपल एपिथीलियम में स्क्वैमस यूजली प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स, ब्राउनियन कैप्सूल एंड लूप ऑफ हैनले, कॉलिमिनर स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलती हैं, गॉल ब्लैडर एंड इंटेस्टाइन के अंदर कॉलिमिनर मिलेंगी, क्यूबोडियल एपिथीलियम मिलेगा पीसीटी एंड यूरेटर में, सीलिएटेड एपिथीलियम मिलेगा फेलोपियन ट्यूब एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिएटेड एपिथीलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, सिंपल एपिथीलियम मेड अप ऑफ टू और मोर लेयर, ग्लैंडुलर एपिथीलियम इट इज प्रेजेंट इन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हमने देखा एपिथीलियल जो होती है मेनली फंक्शन इनका क्या होता है, एपिथीलियल का फंक्शन है प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एब्जॉर्प्शन एंड स्किन फॉर्मेशन। ओके, नाउ कंपाउंड एपिथीलियम इट मींस दिस इज अ टाइप ऑफ स्पेशल एपिथीलियम विच इज मेड अप ऑफ टू एंड मोर देन टू टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथीलियम। तो ये जो हमने एपिथीलियम की टाइप देखे हैं, ये कि सीलेटेड, क्यूबोडियल, कॉलिमिनर, स्क्वैमस, इसकी जब दो या तीन लेयर होती हैं तो उनसे मिलकर जो है कंपाउंड एपिथीलियम बनता है। ओके, सो कंपाउंड एपिथीलियम कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम अगर इन स्किन, नेल, ओवर स्किन, हेयर आर मेड अप ऑफ कैरेटिन। इसके बाद नॉन कैरेटिनाइज्ड में आती हैं, अकर ओवर मोस्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरेंक्स। ट्रांजिशनल एपिथीलियम में आती है जैसे रीनल पेल्विस, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। ओके, नाउ अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। दीज आर द कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ फोर टाइप, जैसे कि हम जानते हैं लूज कनेक्टिव में आता है एरियोलर, इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल। तो मैक्रोफेज सेल्स जो होती हैं ये हमारी स्किन के अंदर होती हैं और ये माइक्रोब्स को खा लेती हैं जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बनती है। मास्ट सेल से जो है, मास्ट सेल जो होती हैं वो एलर्जिक सिचुएशंस को कंट्रोल करती हैं और इनके रप्चर होने पर स्किन में हिस्टामिन रिलीज होता है जिससे एलर्जी होती है। ओके, तो एडिपोज जो होती हैं वो स्टोर फैट, स्किन के ठीक नीचे एडिपोज जो होती हैं फैट को स्टोर करने का काम करती हैं। तो ये तो होगी एरियोलर। अब इसके बाद आता है डेंस रेगुलर में मजबूत थ्रेड होते हैं जैसे टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन जो होती हैं वो मसल को बोन से बांधने का काम करेंगे टेंडन, एंड लिगामेंट बोन टू बोन बांधने का काम करते हैं। तो दीज आर द फ्लेक्सिबल एंड थिक फाइबर्स,
दीज आर डेंस रेगुलर। अब इसके बाद आते हैं स्पेशलाइज्ड में आती है बोन एंड कार्टिलेज। तो अगर हम देखें बोन जो होती हैं उनका मैट्रिक्स सॉलिड होता है, कार्टिलेज का मैट्रिक्स फ्लेक्सिबल होता है। बोन ऑस्टियोसाइट सेल से मिलकर बनी होती हैं, कार्टिलेज कॉन्ड्राइटिन प्रोटीन होता है और कॉन्ड्रियोसाइट सेल से मिलकर कार्टिलेज बना होता है। बोन के अंदर ब्लड की सप्लाई होती है जिसे हेबर्शियन कैनाल कहते हैं और कार्टिलेज में ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। इसी तरीके से हम देखें ब्लड एंड लिम्फ, तो ब्लड जो होता है फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरी बॉडी में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा, बॉडी की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें WBC होती हैं। तो ब्लड में RBC, WBC, प्लेटलेट सब होती हैं। लिम्फ जो होता है ये कैपलरी से बन के तैयार होता है ब्लड वेसल्स में और इसके अंदर ग्लूकोज होता है, इसमें डिजोल्व गैसेज होती हैं, इसमें RBC नहीं होती और इसके अंदर प्लेटलेट्स नहीं होती, इसके अंदर WBC होती हैं, ब्लड का प्लाज्मा होता है जिसकी वजह से बॉडी के इंटरनल पोर्शंस जो होते हैं उनमें इम्यूनिटी बनती है लिम्फ की वजह से। अभी हमने यहाँ पर देखा लिम्फ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, अब आते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डियक। स्ट्राइटेड जो होते हैं वो स्केलेटल मसल्स हैं जो मसल्स बोन से बनी हुई होती हैं। इसी तरीके से अनस्ट्राइटेड हम देखते हैं कुछ मसल्स हमारी बॉडी में ऐसी हैं जो बोन से बंधी हुई नहीं है, वो अनस्ट्राइटेड कहलाती हैं, इन्हें हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। तो ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये हमारे जैसे यूरिनरी ब्लैडर में मिलेंगी, यूरेटर में मिलेंगी, इंटेस्टाइन में मिलेंगी, दीज आर नॉट अटैच्ड टू अवर बोन्स। इसके बाद आते हैं कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स जो होती हैं ये केवल हार्ट में मिलती हैं और ये ब्रांच्ड होती हैं, फाइब्रस होती हैं और इनमें इंटरकलेटेड डिस्क एक स्पेसिफिक फीचर होता है जो स्ट्राइटेड एंड स्ट्राइटेड में नहीं होता। तो कार्डियक मसल्स आर आइडेंटिफाइड बाई इंटरकलेटेड डिस्क जो केवल इसी में होती हैं। ओके, नर्व सेल के बारे में हमें पता है, छोटे क्लास में भी हम पढ़ते आ रहे हैं। नर्व सेल साइटोन, एक्सोन, डेंड्रॉन इसके पार्ट होते हैं। दो नर्व सेल के जंक्शन को साइनेप्स कहते हैं और साइनेप्टिक नोड से एसिटाइल कोलीन एक न्यूरो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट होता है, रिलीज होता है जो सेंसेशन को एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल में ट्रांसफ़र कर देता है। इसके अंदर निसिल ग्रेन्यूल होती हैं, साइटोन पार्ट में न्यूक्लियस होता है, निसिल ग्रेन्यूल सेंसेशन को साइटोन पार्ट से एक्सोन पार्ट में ट्रांसफ़र कर देती हैं। तो नर्व सेल के बारे में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि दो तरीके की होती हैं, मेड्यूलेटेड और नॉन मेड्यूलेटेड। वो सब नेक्स्ट जो आगे के चैप्टर्स आएंगे उसमें नर्व सेल के बारे में आएगी डिटेल। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि टाइट जंक्शंस दे हेल्प टू स्टॉप द सब्सटेंसेस फ्रॉम द लीकिंग अकर्स ए टिश्यू। तो टिश्यू के बीच में टाइट जंक्शन जो होते हैं वो सब्सटेंसेस की लीकेज से, सब्सटेंसेस की टिश्यू के बीच में लीकेज से रोकते हैं, लीकेज को रोकते हैं। एडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म द कनेक्टिंग फंक्शन टू कीप सेल टुगेदर, ये सेल को चिपकाने का काम करते हैं एडहेरिंग जंक्शन। गैप जंक्शन बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स, इन सब में गैप जंक्शंस काम करते हैं। इसके बाद हम देखें हमारे इसमें चैप्टर में कॉकरोच है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कॉकरोच जो है, देखें भारत में दो तरीके के कॉकरोच मिलते हैं, एक मिलता है लॉन्ग कॉकरोच जिसे कहते हैं पेरी प्लेनाटा अमेरिकाना, ये लॉन्ग कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है, और एक छोटा कॉकरोच होता है पेरी प्लेनाटा ब्लाटा। तो लॉन्ग कॉकरोच जो होता है इसके विंग्स डार्क रेड कलर के होते हैं और डार्क ब्राउन कलर के होते हैं और पेरी प्लेनाटा अमेरिकाना के लाइट ब्राउन कलर के होते हैं हल्के, और ये छोटा होता है ब्लाटा। तो कॉकरोच के बारे में पढ़ें, कॉकरोच हेड इज ए ट्रायंगुलर एंड फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट से बना होता है। इट बियर्स ए पेयर ऑफ एंटीना कंपाउंड आई माउथ पार्ट्स ऑफ लेब्रम, इसका जो माउथ पार्ट होता है लेब्रम ये अपर लिप कहलाता है। ए पेयर ऑफ मैंडिविल्स, ए पेयर ऑफ मैगजिला एंड लेबियम इज ए लोअर लिप एंड हाइपोफेरेंक्स एक्ट एज ए टंग। तो हाइपोफेरेंक्स जो होती है इसमें उसकी जीभ की तरह काम करती है जो उसके टेस्ट का आइडेंटिफिकेशन करती है। ओके
इट बियर्स टाइम नहीं आ रहा है, टाइम कितने घंटे का वीडियो हो गया। इट बियर्स टू पेयर ऑफ विंग नेमली फोर विंग को कहते हैं टैगमिना एंड हिंड विंग ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस मेटाथोरेसिस, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है इसे कहते हैं मेटाथोरेसिस, मेटाथोरेसिस से ये कवर्ड होता है। ओके ये क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। इसके बाद देखें द एब्डोमेन इज मेड अप ऑफ 10 सेगमेंट, कॉकरोच का जो एब्डोमेन है वो 10 सेगमेंट का बना होता है। एनल सिरसी इज बोथ इन बोथ सेक्सेस, एनल सिरसी मेल और फीमेल दोनों के अंदर होता है। एंड ए पेयर ऑफ एनल स्टाइल इज इन मेल ओनली, तो एनल स्टाइल जो होते हैं वो केवल मेल में होते हैं और एनल सिरसी जो होते हैं ये मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। द जेनाइटल अपर्चर इज सराउंडेड बाई, जेनाइटल अपर्चर इज सराउंडेड बाई एक्सटर्नल जेनाइटिला इज कॉल्ड गोनोपोफाइसिस और पैलोमियर। कॉकरोच के गिजर्ड में 6 टीथ होते हैं, ये बहुत आता है एग्जाम में। हेपेटिक सी का रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि 6 to 8 इन नंबर होते हैं, ये सब एग्जाम में नीट में आए हुए क्वेश्चन है। मेल्पिगन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं वो 100 से 150 इन नंबर होते हैं, 100 से 150 नंबर। हार्ट ऑफ कॉकरोच इज 13 chambered, 13 chambered होता है एंड सपोर्टेड बाई एलेरी मसल्स। रेस्पायरेशन अकर्स बाई 10 pair ऑफ स्पायरिकल्स से रेस्पायरेशन होता है। ओके नाउ एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ कॉकरोच इज यूरिक एसिड, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देयर आर 3 thoracic ganglion एंड 6 abdominal ganglion, होता क्या है कि 10 ganglion हैं जो उसका नर्वस सिस्टम होता है कॉकरोच का, जिसमें 3 जो है वो थोरेसिस होते हैं, थोरेसिस गैंग्लियन, और 6 जो होते हैं वो एब्डोमिनल गैंग्लियन के अंदर आते हैं। एंड 1 हैज सुप्रा इसोफेगियल गैंग्लियन, सुप्रा इसोफेगियल गैंग्लियन विच सप्लाई द नर्व टू द एंटीना एंड कंपाउंड आई। तो ये कहा जाता है कि अगर कॉकरोच का हेड कट हो जाए तो उसके बाद भी कॉकरोच जिंदा रहता है, उसका कारण क्या है कि इसके नर्वस सिस्टम में 10 गैंग्लियन में से 9 गैंग्लियन तो इसकी बॉडी के अंदर होते हैं एब्डोमिनल और थोरेसिस में, और एक नर्व जो है जिसे सुप्रा इसोफेगियल गैंग्लियन कहते हैं वो उसके हेड पार्ट में जाती है। तो इसका मतलब 90% उसका नर्वस सिस्टम हेड के कट जाने के बाद भी रहता है, इसीलिए कॉकरोच सिर अलग हो जाने के बाद भी जिंदा रहता है। ए कंपाउंड आई हैज 2000 hexagonal omnitida, एक कंपाउंड आई में 2000 hexagonal omnitida होते हैं। एंड 2 testes ऑफ कॉकरोच 4 to 6 abdominal segment में जो हैं उसके होते हैं, और 2 large ovaries 2 to 6 abdominal segment आफ्टर कॉपुलेशन इट फॉर्म उथिका, ये उथिका बनाता है जिसमें 9 से 10 उथिका होती हैं एंड ईच उथिका जो है वो 14 से 16 अंडे देती हैं। न्यूली बॉर्न कॉकरोच इज कॉल्ड निम्फ, उसे निम्फ कहा जाता है। एंड विच हैज़ माउल्टिंग 13 माउल्टिंग रीच इन एडल्ट, तो जो न्यूली बॉर्न कॉकरोच होता है, न्यूली बॉर्न कॉकरोच जो है वो उसे निम्फ कहते हैं और उसके अंदर 13 माउल्टिंग होती हैं, 13 माउल्टिंग होती हैं। एक कॉकरोच निम्फ को एडल्ट तक बनने में, तो ये बहुत आता है क्वेश्चन कि एक निम्फ को एडल्ट तक बनने में कितनी माउल्टिंग होती हैं, 13 माउल्टिंग। इसके बाद आता है हम देखें फ्रॉग के बारे में, फ्रॉग जो होते हैं वो राना टिग्रीना बुल फ्रॉग एंड राना ब्यूफो टोड, फ्रॉग जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिसे हम पिकोइलियो थर्मल कहते हैं। दे हैव कैमोफ्लेज प्रॉपर्टी। ओके सो देखें यहाँ पर दे हैव कैमोफ्लेज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मिमिक्री,
मिमिक्री यानी अपनी जान बचाने के लिए ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर एक तरीके का अडेप्टेशन होता है जिसमें ये अपने शिकारी से अपने आप को बचाते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैमोफ्लेज। इसके बाद समर स्लीप इज कॉल्ड एस्टिवेशन एंड विंटर स्लीप इज कॉल्ड हिबरनेशन। हिबरनेशन कहते हैं कॉकरोचेस जो होते हैं समर में इनएक्टिव हो जाते हैं उसे कहते हैं एस्टिवेशन, और विंटर में भी इनएक्टिव हो जाते हैं उसे हाइबरनेशन कहते हैं, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। मेल फ्रॉग हैज वोकल सैक्स एंड कॉपुलेटरी पैड, फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्स बट एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग। पार्टीडी डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड काइम। बॉडी हैज सिंगल ओपनिंग कॉल्ड क्लोएका, इनकी बॉडी में एक ही ओपनिंग होती है उसे क्लोएका कहते हैं। एंड फ्रॉग हैज क्यूटेनियस रेस्पायरेशन स्किन एंड लंग्स बाई डिफ्यूजन प्रोसेस, तो स्किन के जरिए जो होता है उसे क्यूटेनियस रेस्पायरेशन कहते हैं, और लंग्स के जरिए जब होता है तो उसे हम पल्मोनरी रेस्पायरेशन कहते हैं। फ्रॉग हार्ट इज थ्री चैम्बर जिसमें टू ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल होते हैं। फ्रॉग इज यूरियोटेलिक, इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिया होता है। फ्रॉग हैज 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, इसमें केवल 10 पेयर होती हैं, हमारे यहाँ 12 पेयर होती हैं क्योंकि फ्रॉग में गर्दन नहीं होती। एक्सटर्नल ईयर इज एबसेंट इन फ्रॉग एंड ओनली टिम्पेनम कैन बी सीन, इसमें केवल टेम्पेनम मेम्ब्रेन देखी जा सकती है, एक्सटर्नल ईयर होता नहीं। द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंसिंग। वासा इफेंसिया आर 10 to 12 इन नंबर दैट अराइज फ्रॉम द टेस्टीज एंड दे एंटर द किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन इन टू बाइडर्स कैनाल, तो बाइडर्स कैनाल जो है बहुत पूछते हैं। इसके बाद यूरिनोजेनाइटल डक्ट दैट कम्स आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन इन टू द क्लोएका। ए मैच्योर फीमेल कैन ले 2,500 to 3,000 ओवा एट ए टाइम। इसके बाद आता है अर्थवॉर्म। देखें अर्थवॉर्म फेरिटिमा पोस्थ्यूमा एंड लुम्ब्रिकस, ये इसके साइंटिफिक नेम है। सेगमेंट जो होते हैं वो 100 से 120 इन नंबर होते हैं अर्थवॉर्म के अंदर। इसके बाद हम देखें फर्स्ट सेगमेंट कंटेन पेरिस्टोमियम, जो उसका अर्थवॉर्म का पहला सेगमेंट होता है उसमें पेरिस्टोमियम होते हैं, एक लिप जैसी स्ट्रक्चर होती है। 14 से 16 सेगमेंट कंटेन क्लाइटेलम, उसमें क्लाइटेलम होती है जो कोकून फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में कि उसका क्लाइटेलम कौन से सेगमेंट में होता है। न्यूमरस माइन्यूट पोर्स जो होते हैं उन्हें नेफ्रिडियो पोर्स कहते हैं एंड ओपन ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी इन ईच बॉडी सेगमेंट्स एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट एंड क्लाइटेलम। तो जो नेफ्रिडियो फोर्स होते हैं वो इसकी बॉडी में तीन जगह पर नहीं होते हैं, एक तो पहले सेगमेंट में नहीं होते, एक लास्ट सेगमेंट में नहीं होते एंड क्लाइटेलम में नहीं होते। ओके इट कंटेन ओके तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर हमने क्लाइटेलम देख लिया, न्यूमरस माइन्यूट पोर देख लिए। इसके बाद आता है इट कंटेन एस शेप्ड सीटी इन ईच सेगमेंट फॉर लोकोमोशन, इसमें सीटी होते हैं अर्थवॉर्म में लोकोमोशन के लिए। अर्थवॉर्म इज कवर्ड बाई ए थिन क्यूटिकल ब्लो विच इज एपिडर्मिस एलिमेंट्री कैनाल रन्स बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट। इसके बाद गिजर्ड जो होती है 8th and 9th सेगमेंट में होती है गिजर्ड। ओके कैल्सीफेरस ग्लैंड्स जो होती हैं, कैल्सीफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट इन स्टमक वाइल कैल्सीफेरस ग्लैंड जो होती हैं वो स्टमक में होती हैं वाइल न्यूट्रलाइज द ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैल्सीफेरस ग्लैंड जो होती हैं वो स्टमक में होती हैं, ठीक है, जो न्यूट्रलाइज करती हैं ह्यूमिक एसिड होता है वो ह्यूमस के अंदर होता है क्योंकि ये मिट्टी खाता है। अर्थवॉर्म टिफ्लोसोल इज प्रेजेंट इन 23 to 25 सेगमेंट
23 से 25वें सेगमेंट में होती है टिफ्लोसोल, विच इंक्रीज द इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। टिफ्लोसोल का काम है एब्जॉर्प्शन करना। ब्लड ग्लैंड्स भी होती हैं, आर प्रेजेंट इन 4, 5, 6 सेगमेंट। 4, 5, 6 सेगमेंट, इट प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन डिजोल्व इन प्लाज्मा। अर्थवॉर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि इसमें आरबीसी नहीं होती और अर्थवॉर्म के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन डिजोल्व रहता है, इसीलिए इसका खून रेड कलर का होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर द नेफ्रीडिया। इसके नेफ्रीडिया जो है दो तरीके के होते हैं, सेप्टल नेफ्रीडिया 15 सेगमेंट में और इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया 3rd सेगमेंट में होते हैं। फ्रिंजियल नेफ्रीडिया 4, 5, 6 सेगमेंट में होते हैं। एंटेस्टीज ऑफ द अर्थवॉर्म 10-11 सेगमेंट। स्पर्मेथिका लोकेटेड 6-9 सेगमेंट एंड क्लाइटेलम प्रोड्यूस कोकून। क्लाइटेलम से कोकून बनता है, विच आर डिपॉजिट इन सॉइल, विच आर डिपॉजिट इन सॉइल एंड ईच कोकून प्रोड्यूस 2-20 2-20 जो होते हैं बॉडी ऑफ द वॉर्म्स बनते हैं। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एंड नो लार्वल स्टेज। द टैगरा स्टर्ना एंड प्लूरा कॉकरोच बॉडी आर जॉइंट बाई आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। तो जो कॉकरोच की बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें जोड़ने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है, उसे कहते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। फ्रॉग आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड विद हीमोग्लोबिन। फ्रॉग की जो आरबीसी होती हैं उनमें न्यूक्लियस होता है और उसमें हीमोग्लोबिन भी होता है। ओके, फ्रॉग की आरबीसी में न्यूक्लियस होता है जबकि ह्यूमन की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, अर्थवॉर्म हैव नो स्केलेटन बट ड्यूरिंग बोरोइंग, लेकिन जब वो जमीन में बोरोइंग करता है तो इट बिकम टर्गिड एंड एक्ट एज ए हाइड्रोलिक स्केलेटल ड्यू टू सीलोमिक फ्लूड। सीलोमिक फ्लूड की वजह से उसके सेगमेंट जो होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं और वो मिट्टी में छेद कर देता है। इसके बाद है अर्थवॉर्म पानी में अमेनोट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अर्थवॉर्म पानी में तो अमेनोटेलिक होता है और पानी की कमी में यूरियोटेलिक हो जाता है। पानी में अगर अर्थवॉर्म होगा तो अमेनोटेलिक और पानी की कमी अगर होगी तो यूरियोटेलिक होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एडहेसिव पैड्स प्लेंटुला आर प्रेजेंट इन कॉकरोच ओवर टार्सोमियर्स। ग्लैंड्स प्रेजेंट इन मेल कॉकरोच आर मशरूम एंड फेलिक। मेल के अंदर मशरूम एंड फेलिक होती हैं। नर्व सेल्स डू नॉट डिवाइड बिकॉज दे डू नॉट हैव सेंट्रोसोम। नर्व सेल कभी डिवाइड नहीं होती क्योंकि उनमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू एनिमल सेल्स आर इंटरकनेक्टेड। दो एनिमल सेल जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, किसकी वजह से? डेस्मोसोम की वजह से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो एनिमल सेल आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं डेस्मोसोम की वजह से। एडहेसिव पैड सॉफ्ट पैड प्रेजेंट इन द लेग ऑफ कॉकरोच आर प्लेंटुला, उसे प्लेंटुला कहते हैं। एंड वॉकमैन कैनाल अकर्स इन बोन। अब देखें यहाँ पर एक कॉकरोच का पोर्शन दिखाया है। एक ए जो है एर्थ स्टर्नम है, बी एनल सिरस है। देखो बी इसे कहते हैं एनल सिरस दोनों में होगा, मेल और फीमेल। और सी जो है यहाँ दिखाया इसे टर्गम कहते हैं, टर्गम। और डी जो है देखें डी जो है एनल स्टाइल है। तो ये डी जो एनल स्टाइल है ये केवल मेल कॉकरोच के अंदर होगा, फीमेल में नहीं होता है। तो वाइट फाइबरस टिश्यू इन अबेंडेंस, सबसे ज़्यादा वाइट फाइबरस टिश्यू होते हैं टेंडन में। अच्छा क्वेश्चन है। इन एनिमल गैमीट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम एपिथीलियल टिश्यू, एपिथीलियम टिश्यू से बनते हैं। इसके बाद स्प्रेन इज ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट, लिगामेंट के स्ट्रेच हो जाने से स्प्रेन होता है। इन कॉकरोच ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड द एंजाइम्स सेल्यूलेज इज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन द मिडगट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेल्यूलेज नाम का एंजाइम बैक्टीरिया इन द मिडगट, मिड कॉकरोच की मिडगट में जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे बनता है सेल्यूलोज नाम का एंजाइम। इसके बाद देखें द नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स फाउंड इन कॉकरोच आर 2 थोरेसिस एंड 8 एब्डोमिनल। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल स्केलेटल मसल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एब्जॉर्ब बाई हेपेटिक सीका। हेपेटिक सीका से क्या एब्जॉर्ब होता है? ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स। माइलिन शीथ इज फाउंड इन
मेडुलेटेड नर्व फाइबर, माइलिन शीथ किस में होती है, मेडुलेटेड नर्व फाइबर में होती है, विच इज़ ट्रांसपेरेंट टिश्यू, हाइलाइन कार्टिलेज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा ट्रांसपेरेंट टिश्यू है, हाइलाइन कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट आर स्पेशलाइज टाइप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, माइलिन शीथ इज ड्राइड फ्रॉम श्वान सेल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत आता है, माइलिन शीथ इज ड्राइड फ्रॉम श्वान सेल, एग्जाम्पल ऑफ एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू इज रॉडसन जेली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इन द लेग ऑफ कॉकरोच द सेगमेंट ऑफ टर्केंटर इज फॉलोड बाई फीमर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन कॉकरोच लार्वल एंड निम्फल कैरेक्टर्स आर मेंटेन्ड बाई जुवेनाइल हॉर्मोन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, द सेल जंक्शंस कॉल्ड द टाइट एडहेरिंग एंड गैप जंक्शंस आर फाउंड इन एपिथीलियल टिश्यू, मैक्रोफेज आर मॉडिफाइड मोनोसाइट्स, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन द निम्फियल स्टेज ऑफ द कॉकरोच द जुवेनाइल हॉर्मोन इज सिक्रेटेड बाई कॉर्पोरा एलाटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डेस्मोसोम्स आर द कनेक्टिंग बॉडीज बिटवीन द एनिमल सेल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनिमल सेल्स को आपस में चिपकाने का काम कौन करता है, डेस्मोसोम, स्किन इज ए स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम विच इज नॉट फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू, बेसमेंट मेम्ब्रेन, कनेक्टिव टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती, विच टिश्यू इज मोस्ट अबंडेंट इन द फॉर्म ऑफ द मोस्ट बॉडी पार्ट, इस कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा होता है, कार्टिलेज फाउंड इन नेजल एपिथीलियम, हाइलाइन, हाइलाइन कार्टिलेज है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, विच सॉल्ट प्रीडोमिनेट्स इन बोन मैट्रिक्स, बोन मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा होता है, कैल्शियम एंड कैल्शियम फॉस्फेट, ममीज ऑफ द इजिप्ट स्टिल हैव देयर आर्टरीज, जो ममीज हैं इजिप्ट की उनकी आर्टरीज अभी तक बची हुई हैं, इसका क्या कारण है, वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, वाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू फाइबर की वजह से इजिप्ट की ममीज की आर्टरीज वेन आज तक सलामत हैं। इसके बाद है म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ एपिथीलियम टिश्यू आर कॉल्ड गॉबलेट सेल्स एंड रोल ऑफ कैल्सीफेरस ग्लैंड। अब देखते हैं आगे, ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, गॉबलेट सेल्स।